हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम फैब्रिक कलरिंग करने वाले हैं, वो भी एक्रेलिक कलर से। यहाँ पे मैंने एक पिलो कवर लिया है कलर करने के लिए। मैंने इसको वॉश किया हुआ है और अभी ये जो देख रहे हैं आप, जो डिज़ाइन है ये मैंने नेट से प्रिंट आउट लिया हुआ है। ये बिगनर फ्रेंडली है ताकि अगर आपको फ्री हैंड डिज़ाइन नहीं आता है तो आप ऐसे वाले प्रिंट आउट लेके उसमें से डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो फाइल कवर है, जनरली जो स्टेंसिल आर्टिस्ट रहते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहते हैं, वो इससे ही स्टेंसिल बनाते हैं, मतलब इसके कवर से। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा जुगाड़ किया है। ये जो वाले कवर आप देख रहे हैं ये हमारे, मतलब हम बाहर से कुछ भी मंगाते हैं तो उसमें ये वाले कवर आते ही रहते हैं, कपड़े में और टॉयज़ वगैरह में पार्सल में आते रहते हैं, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। और आप ये जो नाइफ देख रहे हैं इसको हम स्टेंसिल कटर बोलते हैं। अगर आपको ये नाइफ नहीं परचेज़ करना और आपके पास नहीं है तो छोटे वाले जो नाइफ रहते हैं हम जो ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम पे लेके जाते हैं गुआवा और कुकुम्बर कट करने के लिए, वो वाला नाइफ आप यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए। पर इसका टिप ज़्यादा शार्प रहता है, आई सजेस्ट। नेक्स्ट मैंने उसके ऊपर वो कवर डाल दिया है, उसको अलग करके एक शीट ही डाला है और दोनों साइड से मैंने सेल्यू टेप लगा के स्टिक कर दिया है, मतलब पेपर और पॉलीथीन को जो ऊपर वाले को, ताकि मैं जब कट करूँ ये ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। ओके, ये देखो कितना शार्प है, एक बार लगाने से ही वो कट हो जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेशर देने की और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास जो बचे हुए कवर थे मैंने इसको पिलो के अंदर डाल दिया है ताकि मैं ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाऊँ वो नीचे की तरफ ना जाए। ओके, आप भी ऐसे ही कीजिए। आप पॉलीथिन ले सकते हैं या फिर आपके पास कार्डबोर्ड हो पतला वाला तो आप वो भी ले सकते हैं, पर पेपर मत यूज कीजिएगा क्योंकि पेपर से वो कलर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नियॉन कलर यूज़ किया है, ऑरेंज ग्रीन। आपको लगता है अगर ये नियॉन कलर है और मतलब डार्क में कुछ साइन करने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये थोड़े वाइब्रेंट कलर से रेगुलर कलर से बढ़कर, मतलब हम जो रेगुलर कलर यूज़ करते हैं ना, तो उससे थोड़ा हटके है, मैं बोल सकती हूँ। ओके, और आप जब फैब्रिक पे ट्राई करने वाले हो तो उससे पहले आप इसको एक पेपर में डाल के देख लीजिए। और मैंने स्टेंसिल ना पूरा कट नहीं किया है, पूरा वाला पेपर जो आप देख रहे थे मैंने सिर्फ एक ही लाइन कट किया है और आपको दिखा रही हूँ। मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, और मैंने एक स्पंज लिया है और स्पंज से मैंने डैब करते हुए अपना डिज़ाइन बनाया है। अगर आप ऐसे वाले कुछ जुगाड़ू मेरे जैसे आइडिया, मतलब ये वाले अगर पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो ना, तो अब बनाने के टाइम पे ये स्पंज के साथ आ जाता है तो आपको उसको पकड़ पकड़ के थोड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, हाँ, और ये मैंने भी पहली बार ही ट्राई किया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप इसको 48 आवर एज इट इज़ रहने दीजिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 48 आवर रख दिया और फिर उसके बाद मैंने उसको नॉर्मल हमारा जो डिटर्जेंट रहता है मैंने उससे इसको 15 मिनट के लिए भिगोया है और उसके बाद हाथ से वॉश करके जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है वहाँ पे मैंने सुखाने को छोड़ दिया, कलर नहीं छूटा। हाँ, अगर आप बार बार उसके ऊपर ज़्यादा कलर आने के लिए कलर करोगे तो मे भी थोड़ा सा कलर छूट सकता है। ओके, पर बेसिक जितना सा कलर रहना चाहिए, जितना फैब्रिक में लगा हुआ है वो नहीं छूटता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर किया है, इसके बाद मैं ग्रीन कलर करूँगी। ओके, और अगर आप ब्रश से करना चाहते हो ना तो ब्रश थोड़ा टाइम टेकन मुझे लगता है, इसलिए मैंने स्पंज यूज़ कर दिया। अभी ये मुझे टोटल करने को, डिज़ाइन करने को मुझे सिर्फ 7 मिनट लगा। अगर आप वही चीज़ ब्रश से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप फ्री हैंड मतलब कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो, कुछ भी अपने कुर्ती पे या फिर अपने बच्चों के ड्रेसेस पे, तो वहाँ पे आप कर सकते हो ब्रश से। ठीक है, पर स्पंज ज़्यादा कन्वीनियंट है मुझे ऐसा लगता है। मैं ये वीडियो बनाने के 2 दिन बाद ही, मतलब शूट करने के 2 दिन बाद ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि कितना कलर छूटा, क्या हुआ। कलर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं छूटता है, अगर आप उसको ओवरडू करोगे हाँ तो वो वहाँ पे थोड़े से चांसेस है छूटने के, बाकी नहीं छूटते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने पिंक सा कलर लिया है, ये भी नियॉन पिंक ही है और डैप करते हुए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, हाँ, और हाँ, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना सुखाएं। आप इसको जहाँ पे हवा आता है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, आप वहाँ पे कर सुखा सकते हो। ठीक है, होप इट विल हेल्प यू गाइस।